मेरा नाम अनुपमा चौधरी है, रॉयल स्टाइल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, और आप सबके क्या हाल हैं, कैसे हो आप सब लोग? अभी कल परसों मैं बाहर गई तो देखा सबने मास्क पहना हुआ है, तो मेरे को तो समझ में आ गया कि अब तो हमें मास्क जो है बहुत ही रेगुलर पहनना है, और बिना मास्क के तो हमें बिल्कुल बाहर नहीं जाना है, क्योंकि हमें अपनी सेहत का सबसे पहले ध्यान रखना है। तो अब कहीं भी हम बाहर जा रहे हैं तो हमारे लिए इस तरीके का मास्क पहनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए, पूरा मैंने अपनी साड़ी के मैचिंग का मास्क जो है घर पर ही बनाया है मैंने। ये कैसे बनाया है सारा आपको बताऊंगी। तो ये घर पर ही मैंने इसको बनाया है, और ये इसको वियर करके हम बाहर जाएंगे, हमें कहीं भी जाना है। तो आज मैंने आपके लिए लॉकडाउन मेकअप जो है ये क्रिएट किया है, क्योंकि बाहर जब जाएंगे तो मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। तो मेनली हमारी आईज दिखेंगी, और जब हम मास्क भी पहने ना तो हमारी नाक और हमारे ये होंठ और ये काफ़ी हमारा फेस इतना काफ़ी कवर्ड होना चाहिए, तो ज़रूर हमें इन सब बातों का ध्यान रखना है। तो इस तरीके से मास्क को मैंने घर पर ही बनाया है। हम अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग ना, जो भी हमारा सूट है साड़ी है उसके अकॉर्डिंग हम इजीली अपने मास्क को बना सकते हैं, और मैचिंग जो है हम अपना मास्क को कर सकते हैं। तो ये मेरे ब्लाउज़ का मैचिंग का मास्क है, तो इस तरीके से हम इसको पहनेंगे। तो ठीक है, इस मास्क को पहन के हमें बाहर जाना है, क्योंकि अभी शादी वगैरह के लिए भी 50 लोगों का अलाउ कर दिया है। तो शादी वगैरह या पार्टीज़ वगैरह में भी अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हमें पूरी सावधानी के साथ में जाना है, मास्क वगैरह ज़रूर पहन के जाना है, सैनिटाइज़र हमेशा अपने पर्स में हमको रखना है। कभी भी हमें कुछ खाना है तो बिफोर, मतलब खाने से पहले हमें सैनिटाइज़ ज़रूर करना है अपने हाथों को, और उसके बाद ही हमें कुछ भी अपने मुँह में डालना है। ठीक है, तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है। तो अभी किस तरीके से मेकअप लुक क्रिएट करेंगे तो चलिए देखते हैं। फटाफट स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने फेस वॉश से अपने फेस को वॉश कर लिया, उसके बाद क्लींजिंग मिल्क से फेस को क्लीन किया, और फिर उसके बाद मैं टोनर किया फेस के ऊपर। अब मैं उसके बाद में लगा रही हूँ प्लम का फेशियल सीरम, इससे हमारा मेकअप जो है ना बहुत ही स्मूथ हो जाएगा, और साथ के साथ में शाइनी भी होगा। और टोनर जो हम अप्लाई करते हैं ना, उससे अगर ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है तो वो सही हो जाती है। इसीलिए हम देखते हैं ना कि जब बिना मेकअप के तो कैसे फेस होता है, और जब एकदम हम मेकअप करते हैं तो, क्योंकि हमने बहुत सारी ये चीज़ें यूज़ की होती है ना, टोनिंग किया होता है फेस के ऊपर, जिससे पोर्स नहीं दिखते हमारे, एकदम शाइन आ जाता है फेशियल सीरम से, स्मूथ हो जाता है। फ्रेंड्स, जो भी प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखा रही हूँ ना, सबके मैंने वीडियो बनाया हुआ है। जैसे अभी प्लम का मैंने फेशियल सीरम यूज़ किया हुआ है, इन सब का मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है कि किस तरीके का फेशियल सीरम है। स्पेशली अगर आपकी ड्राई स्किन है ना, या नॉर्मल स्किन है, ड्राई स्किन है, तब तो फेशियल सीरम लगाना बिल्कुल बनता है। अगर हम चाहते हैं ना कि हमारा मेकअप जो है बहुत देर तक टिके, तो बहुत ज़रूरी है हम जो अपने पहले के प्रोसेसेस कर रहे हैं, क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, एक तो वो ज़रूर करें, और दूसरा टाइम दे थोड़ा सा। जैसे अभी हमने ये लगाया है फेशियल सीरम लगाया है, तो कम से कम एक दो मिनट हम रुकें, और उसके बाद में फिर हम अपना वो यूज करेंगे मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइजिंग में फेसिस का हाइड्रा फेस मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, ये मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद भी हम एक दो मिनट रुकेंगे, उसके बाद हम प्राइमर यूज़ करेंगे एज अ प्राइमर। तो मैं थोड़ा सा ये एलोवेरा जेल लूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा, और इसको हम यूज़ कर लेंगे एज अपने फेस के ऊपर एज अ प्राइमर। सच में इस लॉकडाउन ने, इस कोरोना ने तो ज़िंदगी बदल के रख दी है। कैसे क्या हो गया, बेवफा तेरे प्यार में। ठीक है, इस तरह स्टेप डेप करते हुए हम अपने प्राइमर को या एलोवेरा जेल को एज अ प्राइमर सेट कर लेंगे। अब हम रुकेंगे, एक दो मिनट के लिए रुकेंगे, और फिर हम उसके बाद अपना बेस तैयार करेंगे। हमारे डार्क सर्कल्स हैं तो हम कंसीलर यूज़ करेंगे, पहले कलर करेक्टर यूज़ करेंगे, अगर ज़्यादा है तो ऑरेंज कलर का यूज़ करेंगे, पर अभी ये मेरा है एले गर्ल का प्रो कंसीलर।
ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्वांटिटी में हम लेंगे इसको, ये, और इसको डैप डैप करते हुए जहाँ भी हमें डार्क सर्कल्स लग रहे हैं या कोई स्पॉट वगैरह लग रहा है वहां पर हम इसको लगा देंगे। देखिए ब्यूटी ब्लेंडर लेंगे हल्का सा गीला सा और इससे इसको सेट कर लेंगे। ये कलर करेक्टर या कंसीलर को सेट करने के बाद में फिर हम अपना फाउंडेशन लगाएंगे। तो फाउंडेशन के लिए हम ये बीबी क्रीम भी यूज कर सकते हैं, पॉन्ड्स की बीबी क्रीम, और इनफेलिएबल फाउंडेशन भी यूज कर सकते हैं, ये लॉरियल का, ये भी अच्छा है। पर ये दोनों ना, मतलब ये वाला जो है ऑयली स्किन के हिसाब से ज़्यादा अच्छा है, पर मेरी स्किन थोड़ा सा नॉर्मल या ड्राई है, तो मुझे हमेशा ये मेबेलिन का बीबी कुशन बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा मैं किसी और फाउंडेशन का को बहुत कम यूज़ करना पसंद करती हूँ, तो पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ये बिल्कुल इसका लास्ट का स्पॉन्ज है, सिर्फ इसको एक दो बार और लगेगा ये मेरा, फिर ये मेरा ख़त्म हो जाएगा, फिर आपको किसी और से मेकअप, अभी भी शायद ख़त्म नहीं है ये, ठीक है। तो इससे बस अब मेकअप करके ये ख़त्म हो जाएगा, इसको धो धा के स्पॉन्ज को रख लूँगी मैं फाउंडेशन वगैरह सेट करने के लिए, ना एज अ ब्यूटी ब्लेंडर काम करेगा ये। इस तरीके से फाउंडेशन सेट करने के बाद में फिर हम अपने फाउंडेशन को फटाफट कॉम्पैक्ट से सेट कर लेंगे। ड्राई स्किन है ना तो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट नहीं लगाना चाहिए, लेकिन अगर ऑयली स्किन है तब बहुत अच्छी तरह से हमारा कॉम्पैक्ट लगेगा, स्पेशली टी जोन पे ना ऐसे प्रेस करते हुए लगाएंगे, फिर ऐसे नोज पे लगाएंगे या लिप्स पे, हमें बहुत पसीना आता है यहाँ पे, ऐसे दबाते हुए लगाएंगे, इस तरीके से प्रेस करते हुए लगाएंगे। लेकिन अगर नॉर्मल या ड्राई स्किन है तो फिर इतना ज़्यादा हमें कॉम्पैक्ट नहीं लगाना, बस हल्का सा करना है, और विंटर्स में तो बिल्कुल नाम मात्र का लगाना होता है या फिर पाउडर इससे ब्रश से ही ऐसे ऐसे कर लो बस। अब क्या है, लॉकडाउन में ना मेनली हमारा आईज ही दिखती है, बाकी तो हमारा पूरा फेस कवर ही हो जाता है। तो के लिए अपनी आईब्रोज है ना, इसको हम ये पेंसिल से फिल कर लेंगे, ये आईब्रो पेंसिल है, आईब्रो पेंसिल या फिर डार्क ब्राउन पेंसिल से भी कर सकते हैं, या फिर डार्क ब्राउन कलर की आई शेडो है उससे भी हम अपनी आईब्रो को फिल कर सकते हैं। फिर हम ये फेसिस कंपनी का काजल लेंगे ऑल टाइम प्रो, इससे मैं एक बार आइस के ऊपर भी लगा लूंगी और आइस के अंदर भी। उसके बाद हम ये मस्कारा लगाएंगे, ये कलर बार का मस्कारा है। आईज को थोड़ा सा ग्लिटर देने के लिए ये ग्लिटर थोड़ा सा बस आईज के बीच में सेंटर में रखेंगे थोड़ा सा। तो इस तरीके से आई मेकअप कंप्लीट करने के बाद में आईब्रोज को हम फिल करेंगे, काजल अंदर लगाएंगे, ऊपर लगाएंगे, आईलाइनर ऊपर नीचे लगाएंगे, थोड़ा सा मैंने ग्लिटर भी लगाया है और मस्कारा भी। ये सब करने के बाद में फिर हम ब्लशर को भी इस तरीके से बहुत ही लाइट कलर का ब्लशर लेंगे और इस तरीके से अपने ब्लशर को सेट करेंगे। अगर हमें मास्क पूरा टाइम ही पहने तब हम खाली लिप लाइनर भी लगा सकते हैं अपनी लिपस्टिक के ऊपर, लेकिन अगर लगता है कि बीच में हम उतारेंगे खाना वाना खाने के लिए कुछ, तो फिर लिपस्टिक बिल्कुल मैट लगानी है लिपस्टिक, क्योंकि हल्का से भी ग्लॉसी हुई या गर्मियों में तो वैसे ही हमारी लिपस्टिक ब्लीड कर जाती है, तो इससे अगर ग्लॉसी हुई या इधर उधर से हुई तो फिर सारा मास्क से हमारी लिपस्टिक जो है इधर उधर फैल जाएगी, तो इसलिए खाली लिप लाइनर भी लगा सकते हैं। पर अभी मैं लिप लाइनर और उसके बाद में लिपस्टिक दोनों अप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से खाली लिप लाइनर भी लगा सकते हैं, अभी मैं इसके ऊपर लिपस्टिक भी लगाती हूँ। तो आज मैं ये कलर बार की 85 नंबर ओ माई मजेंटा लिपस्टिक यूज कर रही हूँ, क्योंकि हल्का सा मेरी ड्रेस में पर्पल है तो पर्पल शेड में लगा रही हूँ।
तो इस तरीके से हमने लिपस्टिक लगा दी और हमारा मेकअप लुक कंप्लीट है। अभी हम इयररिंग्स वगैरह पहन लेंगे और अपनी साड़ी वगैरह पहन लेंगे, ठीक है? तो चलो पहनते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से पूरा मेकअप होने के बाद में फिर हम अपनी मैचिंग का ब्लाउज या साड़ी या सूट जो भी हमने पहना है उसका मैचिंग का हम इस तरीके से मास्क पहन लेंगे। मास्क को हम बड़े या छोटा कर सकते हैं, पर मास्क से ना पूरा हमारा नाक, ये मुंह, फेस जो है और ठोड़ी वगैरह, ये पूरा हमारा कवर होना चाहिए। तो मेनली हमारा आईज वगैरह ही दिखती हैं, तो हम इस तरीके से मास्क से अपने फेस को कवर कर लेंगे। और फ्रेंड्स, ये मास्क को भी मैंने घर पर ही बनाया है। इसको किस तरीके से हम घर पे बना सकते हैं, इसका वीडियो मैंने अपने रॉयल स्टाइल व्लॉग्स चैनल पे अपलोड किया है, अब वहाँ से उसको चेकआउट करिएगा। यहाँ तो अपलोड कर दिया होगा, यहाँ भी करूँगी फिर जल्दी, ठीक है? तो इस तरीके से हम घर पर ही बहुत ही अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग मास्क को भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से था हमारा ये लॉकडाउन मेकअप लुक। तो आपको कैसा लगा आप ज़रूर शेयर करिएगा, और वीडियो को जाने से पहले लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। हमारी रॉयल स्टाइल फैमिली 3 लाख की होने वाली है। आप भी जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट रॉयल स्टाइल को सब्सक्राइब कर लो और रॉयल स्टाइल फैमिली का हिस्सा बन जाओ। तो हम बहुत ही जल्दी मिलते हैं एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ में। जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। बाय, आई लव यू। Take good care of yourself.